हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दोस्तों चिकन तरी वाला, जो कि बैचलर लोगों के लिए रहेगा। चिकन तो अपन को मिल जाता है, लेकिन बैचलर लोगों के पास अक्सर देखा जाता है कि किसी भी चीज़ का साधन नहीं रहता। बिल्कुल भी आसानी से बनाएंगे, कोई भी उसमें झंझट नहीं रहेगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, खड़े मसाले में मैंने ये मसाले लिए हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं मसाले। आप देख सकते हैं कि प्याज मैंने रफली काटा हुआ है, अदरक है जिसे किस दिया है, टमाटर मैंने 3 लिए हैं, लहसुन को सिर्फ खड़ा खड़ा छीला है सिर्फ, प्याज लिए हैं दोस्तों हमने 4 प्याज लिए हैं। तो दोस्तों, सूखे मसाले को हम पहले एक कटोरी में डालते हुए भिगा लेंगे। सबसे पहले 1 चम्मच दोस्तों मैंने लाल मिर्च डाली है, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर डाला, धनिया का पाउडर 2 चम्मच डालेंगे। आपको तीखा जितना पसंद हो उस हिसाब से आप डालें। और दोस्तों, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हम इसे भिगा लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैंने 100 ग्राम सरसों का तेल डाल दिया है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं 1 चम्मच जीरा डाल दूंगा। जीरा डालने के साथ ही मैं इसमें लहसुन की कलियां डाल दूंगा। लहसुन की कलियां डालने के बाद ही दोस्तों थोड़ा सा हिला लेंगे हम। ये कुछ खड़े मसाले थे जो, उन्हें ऐड कर देंगे। प्याज डाल देंगे दोस्तों, जिसे रफली मैंने काट के रखा हुआ था। प्याज को हम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा भूनेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है। इसी समय दोस्तों टमाटर डाल देंगे हम इसमें। टमाटर मैंने 3 काट के रखे हुए थे। जैसे हम टमाटर डालेंगे, उसी समय अदरक को मैंने किस लिया था उसे डाल देंगे। अब देख रहे होंगे दोस्तों, कोई भी इसमें झंझट की काम नहीं है और बहुत ही आसानी से बनेगा चिकन। आज मेरा मन हुआ दोस्तों सभी के साथ शेयर करूं इस चीज़ को। टमाटर डाल दिया था दोस्तों, उसी समय मैं नमक डाल दूंगा। नमक आप अपना देखते हुए डालें, इससे टमाटर बहुत ही अच्छी तरीके से गल जाता है। और इसी समय दोस्तों हम इसमें सूखे मसाले जो पानी में भिगो के रखे थे उसे डाल देंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे दोस्तों। करीबन दोस्तों इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 सीटी होने देंगे। दोस्तों 2 सीटी हो चुकी हैं, अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। अब देख रहे होंगे दोस्तों, तेल ऊपर आ चुका है और सारे ये प्याज लहसुन इनको हम अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। इसमें हमने 2 सीटी कर ली थी, इस वजह से दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से सारे मसाले मैश हो जाएंगे और तरी भी बहुत ही अच्छी बनेगी, गाढ़ी सी। दोस्तों इसी समय हम चिकन मसाला डाल देंगे। चिकन मसाला मैंने 1.5 चम्मच ही डाला है। इसी समय हम चिकन डाल देंगे। चिकन 1 किलो है। चिकन को भी अच्छी तरीके से करीबन 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए। तो दोस्तों चिकन को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इस समय हम दोस्तों इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें, मैं 1 गिलास डाल रहा हूँ। करीबन 1 गिलास में 200 ml पानी है। सारे चिकन को हम मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगा के हम इसे 2 सीटी सिर्फ करेंगे। तो दोस्तों चिकन अच्छी तरीके से पक चुका है, हम इसको सीटी को खोल लेते हैं। लास्ट में दोस्तों आप जानते होंगे हरी धनिया डाल देंगे इसमें, क्योंकि नॉनवेज में दोस्तों हरी धनिया डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलिए मैं आपको इसे प्लेट में डाल के बताता हूँ। तो दोस्तों चिकन बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना हुआ है। यदि आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।